प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्ते, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। यह है रीजनल वेदर बुलेटिन स्काईमेट का। आपने देखा होगा कि आज पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सारे इलाकों में सूरज निकला और काफी देर तक धूप रही, जिससे कि राहत मिली है दिन के समय। खास करके दिल्ली NCR की बात करें तो दिल्ली NCR में सफदरजंग का तापमान 19.1 डिग्री यानी कि सामान्य से केवल 3 डिग्री नीचे रहा और काफी ज्यादा राहत देखने को मिली। हालांकि हवाएं अभी भी उत्तर दिशा से चल रही हैं, उत्तर पश्चिम दिशा से, और काफी तेज चल रही हैं। आज हवाओं की रफ्तार 30 किलोमीटर से 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक भी पहुंची थी दोपहर के समय कुछ देर के लिए, यानी कि तेज हवाएं अभी चलती रहेंगी जो अगले 4 या 5 दिनों तक पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों में चलती रहेंगी, यानी कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, इन सारे इलाकों में तेजी से हवाएं चलेंगी। और जो फॉग है, थोड़ा बहुत जो आपने देखा कि आज ये पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तराई के इलाकों में दिखाई दे रहा था, वो भी अब धीरे धीरे हट जाएगा, क्योंकि जो हवाएं जब तेज चलती हैं तो फॉग को जमने नहीं देती। हालांकि सुबह के तापमान अभी भी सामान्य से नीचे बने हुए हैं। तो अब जो अगला पश्चिमी विक्षोभ है, जो हमने बताया था आपको, वो आने वाला है और ये कल तक जम्मू कश्मीर के आसपास पहुंचेगा। अभी भी देखिए हवाएं काफी तेजी से ये उत्तर दिशा से और उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही हैं। और जो तापमान है, अगर हम राजस्थान की बात करें तो सीकर में कल जो मिनिमम टेम्परेचर था 1.8 डिग्री था और चित्तौड़गढ़ में 3 डिग्री था, अमृतसर में 4 डिग्री और दिल्ली में 6 डिग्री के आसपास। यानी कि अभी भी जो सुबह और रात के तापमान है काफी कम बने रहेंगे क्योंकि हवाएं तेज चलेंगी। अब क्या है कि जो फॉग था वो भी हट जाएगा, तो आसमान जब साफ होता है तब जो जमीन है बहुत जल्दी, यानी कि धरती का जो सरफेस है बहुत जल्दी ठंडा होता है, तेजी से ठंडा होता है। क्योंकि जब हमने बताया था कि आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, यानी कि अगर बादल रहते हैं या कोहरा रहता है या कोई भी ऑब्सक्योरिटी रहती है, तो क्या होता है कि जब सूर्य छुपने के बाद, सूर्यास्त के बाद, जो धरती लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में जो अपनी एनर्जी को छोड़ती है, एमिट करती है, तो वो क्या होता है कि जो पॉल्यूशन है या फॉग है या क्लाउड का जो सरफेस है, वहां के और अर्थ के बीच में ट्रैप हो जाता है, रुक जाता है और पूरी तरह से अर्थ ठंडी नहीं हो पाती, यानी कि तापमान बढ़ जाते हैं। लेकिन क्योंकि अब आसमान साफ है तो हो सकता है कि तापमान अभी भी अगले कुछ दिनों तक सामान्य से नीचे बने रहे और कड़ाके की सर्दी ये राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सारे इलाकों में सुबह और रात की जारी रहेगी। और गुजरात में भी अभी फिलहाल, क्योंकि हवाएं इस तरह से घूम के आ रही हैं, तो गुजरात में भी अभी तापमान सामान्य से नीचे ही बने रहेंगे, शीतलहर जैसी स्थिति बनी रहेगी। हालांकि अब धीरे धीरे जो मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में और छत्तीसगढ़ में और जो साउथ मध्य महाराष्ट्र है, जैसे कि सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, इन सारे इलाकों में, परवनी वगैरह में तापमान अब बढ़ने लग जाएंगे। और अब किसी भी इलाके में कोई घना कोहरा छाने की संभावना नजर नहीं आ रही। हालांकि सुबह के समय जो मैदानी इलाके हैं वहां पर घना कोहरा छा सकता है कुछ देर के लिए, लेकिन जैसे ही सूरज निकलता है और प्रेशर ग्रेडियंट बढ़ता है तो क्या होता है, हवाएं तेजी से चलने लग जाती हैं और जब हवा की स्पीड बढ़ती है तो जो सरफेस लेवल पर कोहरा हट जाता है, लिफ्ट हो जाता है। और अब जो कोहरा रहेगा वो अभी जो ये हिमालय की जो तराई के इलाके हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश की तराई के इलाके हैं और बिहार के कुछ इलाकों में देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर के उत्तर पश्चिम भारत और मध्य भारत में अब किसी भी तरह की वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं देगी और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है ये 29 और 30 तारीख को बहुत हल्की बारिश देगा और पूर्वोत्तर राज्यों में भी छुटपुट बारिश की गतिविधियां ही जारी रह सकती हैं। इसके आगे जो पूरा अपडेट होगा, यानी कि पूरे भारत का अपडेट होगा, मैं स्काईमेट के नेशनल वीडियो में बताऊंगा। अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।